ये दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर डील से परमिशन लिया गया, और क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में आप ऐसे आ नहीं सकते, सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब ज्यादा है यहाँ पे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोग कैसे रहते हैं। ये देखिए ये फ्लैट टाइप का ही है, ये देखिए दो रूम ये है और दो रूम यहाँ है, और ये इनका बाथरूम है, इनके लिए दरवाजा है। और ये लोग पढ़ाई कर रही हैं। छोटा सा आप ये बताइए, जो आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से। इंडिया से, ठीक है, इंडिया से तो हम भी हैं। अब ये है कि इंडिया में कहाँ से आप लोग? इंडिया में गुजरात। अच्छा, तीनों आदमी गुजरात से हैं। तो सूरत के बाद आ गए थे या ड्रॉप भी लिए थे वहाँ? अच्छा, तो आप लोग ज्यादा एज नहीं है, मतलब सूरत के बाद, मतलब आपने 18-19 में आ गए, ठीक है, अच्छा डिसीजन है। तो पढ़ाई कैसी हो रही है यहाँ? क्लिनिकल, क्लिनिकल में बताइए, जैसे आप लोगों की क्लास लगती है सेकंड सेमेस्टर से, और प्रैक्टिस के लिए भी बुलाते हैं हमें एक्स्ट्रा टाइम में, जो कोई कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना हो। तो क्या लगता है आप लोगों को, इस पढ़ाई से जो आप 6 साल के बाद जाएंगे, तो एक बार में आप FMG निकाल सकते हैं, नेक्स्ट निकाल सकते हैं, ऐसा लगता है? आपको कॉन्फिडेंट है? हाँ, तो आप मतलब, और आप जो सेफ्टी को लेकर जो बात आती है सबके मन में, तो जनरली बताइए रशिया में सेफ्टी को लेकर क्या, कोई छेड़छाड़ रोड पे बाहर, मतलब ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती? क्लास में कुछ ऐसा हो कि कोई कुछ बोल दे, ऐसा कुछ क्लास वगैरह में ऐसा तो नहीं होता? इंडियन हो या रशियन हो, ऐसा कोई क्लास में भी? कितने बैच, मतलब आपके बैच में कितने हैं? 14 का, ओके। और कितने बैच है आप पता है? ये नहीं पता आपको? इंडियन के टोटल 3। अच्छा, उसमें सिर्फ इंडियन ही है, ठीक है। तो कुल मिला के, और मेस, मेस में जो खाना होना है यहाँ पे, आप अभी मेस खान में खाना खा रहे हैं, कैसा है खाना होना मेस का? खाना जिन्हों जो फीडबैक है वो आप बताइए कि कैसा, मतलब क्योंकि अब असली इंडिया जैसे तो मिलेगा नहीं, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, असली इंडिया जैसे तो नहीं मिलता, लेकिन हम वेजिटेरियन है तो यहाँ पे सारा नॉन वेज ही मिलता है, तो हमारे लिए मेस ही एक ऑप्शन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो बहुत मतलब खुद से खाना लेके यहाँ तक आया हूँ इंडिया से, और खास करके आगे इनके मेस में खाया हूँ, और अच्छा लगा कि चलो इंडियन खाना मिल जा रहा है। सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि आज के डेट में आपको रशिया में वेजिटेरियन फूड अवेलेबल हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।